अपनी यह जिंदगी तो बंदर की डुगडुगी है। अरे चाय भाई नहीं लाए आप? अरे भाई मैं चाय बनाने जा ही रहा था, फिर मैंने कहा ये खबर पढ़ लूं मैं। जाइए लेके आइए चाय। ये माजी को क्या हो गया सुबह सुबह? या अल्लाह ये माजी को क्या हो गया? अल्लाह खैर करे, क्या हो गया है माजी को? तबीयत शबीयत तो ठीक है ना उनकी? शगुफ्ता रात को ना माजी की हार्ट बीट स्लो चल रही थी। अब तो लग रहा है खासी तेज चल रही है। चलो तो सही चल के देखें। माजी आ रहे हैं। अरे 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 माजी 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 क्या हुआ माजी? माजी अब देखने जा रहे हैं हमारा क्या क्या चोरी हुआ है। मेरी सिर्फ अंगूठी चोरी हुई है। हैं माजी ये वो अंगूठी तो नहीं थी जो आपको दादी माँ ने मुंह दिखाई में दी थी और बाद में बड़ी पछताई थी? अरे जब घर के दरवाजे पे ताला लगा हुआ है तो इसका मतलब है बाहर से तो कोई आया नहीं। कोई अंदर नहीं आया इसीलिए तो तुम लोगों को आवाज दी है। माजी आप मुझ पे शक कर रही हैं? तो मैं तेरे पे शक कर सकती हूँ। तो फिर क्या मतलब माँजी आप मुझ पे शक कर रही हैं? तो मैंने तेरा नाम लिया है। हम कसम खाते हैं माँजी हमने आपकी अंगूठी को हाथ भी नहीं लगाया। माँजी तो मुझ पर शक कर ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मैं तो आपका चहिता दामाद हूँ ना। माँजी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हम अभी ढूंढ लेते हैं कहाँ गई होगी। आओ शगुफ्ता आओ। मेरी अंगूठी मिली? माँ जी सब जगह पे ढूंढ लिया हमने कहीं नहीं मिली। कैसे मिलेगी? जिसने चोरी की है वही ढूंढ रहा है। माँ जी आपको पता है किसने चुराई है? अस्वर। माँ जी जब आपको पता था किसने चुराई है तो हमें हमारा टाइम खराब कर रही हैं आप। अभी कंफर्म नहीं है, शक के खाली। माँ जी आप तो बहुत ही शक्की मिजाज हो गई। पुलिस वाले की बहन है ना? अश्वर ने ही चोरी की है। माँ जी आपको यकीन है तो उसे बुला के पूछे। पुत्र मैं अभी उसको एक चांस दे रही हूँ। हाँ भाई मिली? नहीं माँ जी। माँ जी अभी अभी मेरे जहन में एक आइडिया है। क्या? माँ जी आपको पता है जब गांव में चोरी होती थी तो क्या होता था? क्या होता था? गांव में तफ्तीश होती थी और चोर पकड़ा जाता था। नहीं माँ जी नहीं, मौलवी साहब लोटा कमाते थे, लोटा जिसकी तरफ टूटी का मुंह हो जाता था वही चोर होता था। मौलवी कहाँ से लाएंगे यहाँ? माँ जी थोड़ी देर के लिए ना मैं मौलवी बन जाऊंगा और माँ जी आपकी मर्जी के मुताबिक उसकी टूटी ठहरेगी जहाँ कहेंगी। माँ जी चोर तो इसी घर में है, एक काम करते हैं ना सबके नाम की पर्चियां डालते हैं, जिसके नाम की पर्ची निकलेगी इसका मतलब अंगूठी उसी ने चुराई है, वो ही देगा, खत्म। वेरी गुड नौशीन, वेरी गुड। हाँ ये ठीक है अजफर, जल्दी से हम पांचों का नाम पर्चियों पे लिख डालो बस। ठीक है मैं पेन पेपर लेके आता हूँ। अजफर पता नहीं लातिनी जबान में पर्चियां लिखने लगा। सब आ गया। ये बाजी सबसे पहले आप पर्ची उठाएं। अच्छा चोर पकड़ा गया। माजी हाँ इसका मतलब है चोर खुद माजी है। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, अब पर्ची मैं उठाऊंगा। माजी अरे क्या हो गया, मैं उठाती हूँ ऐसे कैसे माजी? हाँ हाँ तुम भी अपना शौक पूरा कर लो। अरे माँ जी खामखा आप हम दोनों पे शक कर रही थी ना, मैं अपनी चीज खुद क्यों चुराऊंगी? माँ जी केस हल हो गया। माँ जी हर पर्ची पे आपका नाम है और मुजरम आपके सामने खड़ा है। माँ जी प्लीज मुझे समझने की कोशिश कीजिए, ये एक प्रैक्टिकल जोक था। उधर असर जरा मेरे साथ कमरे में तो आओ, मैंने तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। तुम लोग यहाँ बैठो। माजी आप खड़ी हैं, भला मैं कैसे बैठ सकता हूँ? मैं कहती हूँ बैठ तू।
पुत्र वो अंगूठी जो है ना वो मेरी सास की निशानी है। माँ जी आपको यकीन है कि ये घटिया हरकत मैं कर सकता हूँ? यकीन तो है। ये अंगूठी मेरे पास नहीं है। तूने बेच भी दी? आपकी कसम माँ जी अंगूठी तो मैंने देखी भी नहीं। अच्छा ऐसा कर 2000 रुपये मुझसे ले ले, मुझे अंगूठी दे दे। माँ जी मैं कसम खाने को तैयार हूँ, अंगूठी मैंने नहीं ली है। अच्छा फिर ये बता तूने पर्ची पर सिर्फ मेरा नाम क्यों लिखा? माँ जी अगर पर्ची के जरिए चोर पकड़े जाते तो फिर बेचारी पुलिस का क्या काम था? और तू जानता है ना कि मेरा छोटा भाई बट जो है वो पुलिस में है, और अगर तूने अंगूठी ना दी ना तो मैं बट को फोन करने पर मजबूर हो जाऊंगी। खुदा का वास्ता माँ जी बट मामू को इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत है, वो तो मुर्दे से भी उगलवा लेते हैं। मैं तो फिर जिंदा हूँ माँ जी, प्लीज रहम करें। अच्छा मैं तुझे 2 घंटे दे रही हूँ, अच्छी तरह सोच ले और मेरी अंगूठी वापस कर दे, वरना तू मुझे जानता है ना। बच्चू अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। आप हमारी बातें सुने तो चुपके। तुम ना बट मामू को जानते नहीं हो, बट मामू ने बट मार मार के ना तुम्हारे जितने स्पेयर पार्ट है ना गुर्दे कलेजी फेफड़े ये सारे अपसेट कर देने, उन्होंने इसकी टाइमिंग आउट कर देनी है। भाईजान मैंने ये काम नहीं किया। नहीं किया तो कोई बात नहीं, मामू खुद ही मरवा देंगे। इसी बात की तो टेंशन है मुझे। एक दफा ना तुम्हें एक वाक्य सुनाता हूँ। चिड़ियाघर से ना एक हरण गायब हो गया, कहीं चला गया होगा इधर उधर, तो मामू ने ना एक बकरा पकड़ लिया, बकरे को मार मार के ना धमोया कर दिया मामू ने। बकरा अपनी जुबान में बोलने लगा, कहने लगा मैं हरण हूँ। बाजी अगर आप इस तरह मुझसे नाराज रहेंगी तो मेरा क्या बनेगा? हम नाराज नहीं, हमें तो हैरत हो रही है कि तुमने ये हरकत की। अरे पूरे खानदान में हमारी नाक कटवा के रख दी। अरे बाजी माँ जी की कसम मैंने चोरी नहीं की। हम जानते हैं असफर तूने चोरी नहीं की, शरारत की है। चला बदतमीजी ना कर, माँ जी माँ की जगह है तुम्हारी। मतलब कि आप भी उन्हीं लोगों के साथ है? जाहिर है हमने इसी घर में रहना है और वो भी बेहद इज्जत से। चल अब बदतमीजी न कर, माँ जी की अंगूठी वापस कर दे और हाँ सॉरी भी कहना उनसे। आप मेरी बात का कैसे यकीन करेंगी? तुमने कहा हमने यकीन कर लिया, चलो शाबाश अब अंगूठी वापस कर दो वरना जानते हो बट मामू को। बाजी अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं वैसे ही अंगूठी खरीद के माँ जी को दे देता। खरीद के देने की क्या जरूरत है, माँ जी की अंगूठी माँ जी को ले जाके वापस कर दो, बाकी हम संभाल लेंगे। चल शाबाश हमारे भाई। Don't touch me. देखो डार्लिंग इस घर में कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है, तुम तो मेरी बीवी हो, मेरी शरीक है हया, तो मेरी बात तो सुनो। कान खुले हुए मेरे, बको क्या बकना है? तुम्हें लगता है कि ये घटिया हरकत मैं कर सकता हूँ? असफू मुझे तुम्हारी समझ आ गई है, शराफत से मांझी की अंगूठी वापस करो और उनसे सॉरी भी करना। कौन सी अंगूठी, कहाँ से लाऊं अंगूठी? इस वक्त कौन आ गया? अब बाजी कितने हो? असफू ये तो बट मामू की आवाज है। नहीं इस खिड़की पे ग्रिल लगाने की क्या जरूरत थी, मैं कहाँ भागूं? प्लीज बेबी डार्लिंग मुझे कहीं छुपाओ, मुझे कहीं छुपाओ। उठो बाथरूम जाओ। बड़े दिनों के बाद तूने अपनी शक्ल बनाई है, पहली याद नहीं आती तुझे? बाजी जिस तरह क्राइम रेट बढ़ रहा है शहर में, उससे तरह मामू जी का भी रेट बढ़ रहा है। नहीं ड्यूटी का टाइम भी बढ़ गया हुआ बाजी, बड़ा दिल कर रहा था आज आपसे मिलने को। ओए मैं तुझे आज ही याद कर रही थी। भूल गई थी आप मुझे? तू बिल्कुल नहीं पतला। मामू जी आप चाय लेंगे कि ठंडा? तू अशरफ ही है ना? हाँ जी मैं आपका भांजा अशरफ हूँ। कंजूस बाप का कंजूस बेटा। ओए मामू को चाय बेटर खाएगा, जा बीवी को जाके बोल मामू आया है और खाना खा के जाएगा। मामू जी घर में एक टेंशन है, खाना नहीं मिलेगा। तुझे कितनी दफा कहा कि बड़ों के सामने मत बोला कर। तो मैं इसीलिए तो चुप करके बैठा हुआ। चल बेटा जा बीवी को कह खाना बनाए, मुझे टेंशन में ज्यादा भूख लगती है। बाजी ये घर में कैसी टेंशन? बस घर की गल है। तो मैं भी तो घर का ही फर्द हूँ ना, और चलो ठीक है मैं कभी कभार आता हूँ, लेकिन हूँ तो भाई ना आपका। बस कुछ नहीं वो मूली से चोरी हो गई है। मूली चोरी? क्या मतलब? मेरी सास ने मुंह दिखाई के लिए मुझे अंगूठी दी थी ना, वो गुम हो गई है। चोरी या गुम? वो रात को तो मेरे पास थी, सुबह गुम थी। ये तो चोरी हुई ना, घर में कितने लोग हैं? बस एक मैं हूँ, एक अशरफ और उसकी बीवी है, और एक नौशीन और उसका मियां। ये अशरफ नौकरी करता है? नहीं। तो गुजारा कैसे होता है? क्या हो गया तुझे,
गोली मार अंगूठी को। गोली ते मैं मारांगा तोड़ी अंगूठी के चोर को। मैंने सोचा था इतने दिनों बाद बहन भाई मिलेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे, लेकिन लगता है कि यहाँ पर भी दुनियादारी निभानी पड़ेगी। मैं जरा पहले असफर और अशरफ से तफ्तीश कर लूँ ना, फिर आके बैठता हूँ बाजी आपके पास। तुम दोनों नौकरी नहीं करते हैं? सर नौकरी मिलती क्या है? मामूजी मैं तो वैसे ही ओवर एज हो चुका हूँ, अब तो मुझे सरकारी नौकरी मिलनी नहीं। चोर तुम दोनों। मामूजी आप, तू बार बार मुझे मामू क्यों कहता है? इसलिए कि आप मेरे मामू हैं। तेरा मेरा 2-4 साल का उम्र का फर्क है, तेरी वजह से 100 साल के बाबे मुझे मामू कहने लगे। आप मेरे मामू है तो मैं मामू ही कहूंगा, चाहे आप मुझे फांसी पे चढ़ा दे। मर भी कह ले मामू, लेकिन इस वक्त तुम दोनों मुल्ज़िम हो। मामू मैं आपका इकलौता भांजा हूँ। तुम दोनों ने 50-50 डिसाइड किया है ना? अरे नहीं मामू, 50-50 तो भाईजान बहुत सालों पहले कर चुके, अब तो ये 60-70 के चक्कर में है। शाबाश। अरे मामू जी इसी शाबाश पे ना आप मेरे साथ हाथ मिलाए। इसी बात पे एक बार फिर शाबाश। मामू जी घर के एक एक फर्ज से पूछ ले, हर बंदे का जो शक है ना वो इसी पे है। मेरा शक भी इसी पर है। जी जी हाँ, अब बताओ गर्दमाद जी, अंगूठी खुद ही दोगे या मैं अपने तरीके से बरामद कराऊं? मामू मेरे पास होती तो मैं अब तक दे चुका होता। बच्चू माल बरामद कराने के हमारे पास 2000 तरीके हैं। मामू पहले आप इससे ये पूछे इसका गुजारा कैसे होता है। पहले तू बता के तेरा गुजारा कैसे होता है। मेरा तो खैर मामू जी जायज तरीके से हो जाता है, मैं 100-200 में से ना 10-20 रुपए टोक लेता हूँ, पर इसका गुजारा सरासर फ्रॉड पे है। चल भाई, ओ क्या नाम है तेरा? जी वो असफर रहमान। हाँ असफर रहमान। अशरफ ड्राइंग रूम किधर है? मामू जी वही नीचे जहाँ पहले था। चल भाई असफर रहमान, तुझे जरा मैं ड्राइंग रूम की सैर तो कराऊ ना। चल हाँ शाबाश। चल चल उठ। चल अब मजे आएंगे, माँ जी की अंगूठी कसम करना चाहता था। चल अब सीधी तरह से मेरे सवालों का जवाब दे। पहला सवाल ये है कि माल किधर है? मामू मैंने चोरी नहीं की। अच्छा तो फिर किसने की है चोरी? अगर ये पता होता तो मैं आपसे यहाँ मार क्यों खा रहा होता? देख अभी तक मैं अपनी जबान और हाथ से काम ले रहा हूँ, अगर तूने सच सच नहीं बताया ना तो मैं थाने फोन करके मौला जाट को बुला लूंगा। मामू कुछ तो ख्याल करें, मैं आपका दबा दूं। वे इसीलिए तो रियायत कर रहा हूँ। चलो बता माल किधर है। कौन सा माल? एक गोल और 5000 पॉइंट हो गए। वो ना बट मामू के साथ अंदर है ड्राइंग रूम में। लेकिन उसकी चीखने की आवाज आ रही थी। है एक मिनट ठहरो। हाँ अब नहीं आ रही, अब नहीं आ रही। अल्लाह के मामू जान ने मुझे बेवा तो नहीं कर दिया? नहीं नहीं इसमें थोड़ा टाइम लगेगा अभी। अच्छा मैं खुद ही देख लेती हूँ। रुक जाओ, मामू बहुत जरूरी काम कर रहे हैं, और तुम्हें पता है मामू अपने काम में दखल देने वालों का क्या करते हैं। लेकिन भाईजान अब अंदर खामोशी क्यों हो गई है? वो नहीं खैर है, कमर्शियल ब्रेक हुई है। मामू ने मारा है क्या तुम्हें? असफर सच सच बता दे अपनी जोजा को क्या हुआ है। आओ, मुझे तो मामू ने बिल्कुल नहीं मारा। तुम्हारा हुलिया किसने बिगाड़ा है? बेबी वो मैं अंदर गिर गया था। लेकिन असफर अभी अभी तो मुझे तुम्हारे चीखने की आवाजें आ रही थी अंदर से। वो तो मैं मार खाने की एक्टिंग कर रहा था। दमाद जी अंदर जाके बाथरूम में हाथ मुंह धो के जरा फ्रेश हो जाओ, आधे घंटे के बाद दोबारा सैर करानी है ड्राइंग रूम की, और टाइम का ख्याल रखना। मामू जी टाइम का बड़ा पाबंद है ये। थक गए आपने इतना काम किया है। बड़ा ही ढीठ दमाद है बाजी आपका, इतनी मार के बाद भी नहीं उगल के दिया। वैसे आलू गोश बड़ा मजेदार बनाया आपने। खाना पुत्र खा रज के। चोरी का फैसला तो मैं करके ही जाऊंगा यहाँ से। पुत्र रहने दे, बच्चा है। बच्चा आधी मुजरम है बाजी, आधी मुजरम, और इतनी फैंटी के बाद तो बड़े बड़े मुजरम उगल देते हैं, बल्कि मुलजम मुजरम बन जाते हैं। अब मुझको मालूम है पुत्र, पर बेबी उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है, मैं इसीलिए तो तेरे से रिक्वेस्ट कर रही हूँ।
बाजी आप मैं जानते हो मैं बहुत जिद्दी हूँ, उससे उगलवा के ही रहूंगा मैं। और अगर इसने चोरी ना की हो तो? फिर भी उगलवा के रहूंगा ना, जिद जो चढ़ गई है मेरे को। अरे पुत्र रहने दे, मैं उसको समझा दूंगी, आइंदा ऐसी हरकत नहीं करेगा। इतनी मार मारूंगा ना उसको मैं कि आइंदा ऐसी हरकत करने के काबिल ही नहीं रहेगा। तो खूनखार ही हो गया। आप इसको बोले ना, ये मान क्यों नहीं जाता? असफर देख, मान जाना हमारे भाई, ही इकरार कर लेना। बाजी जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं क्यों मानूं? असफर तुम्हें नहीं पता, बट मामू मार मार के तुम्हारी जान ले लेंगे, बस प्लीज तुम जिद छोड़ दो। चाहे वो मेरी जान ले ले, मैंने नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। जब वो कह रहे नहीं किया तो नहीं किया। प्लीज असफू मेरी खातिर। तुम्हारी खातिर तो पिट रहा हूँ डार्लिंग। असफू प्लीज जिद छोड़ दो, तुम इकरार कर लो, बाकी मुझ पे छोड़ दो, मैं संभालूंगी, बस तुम जिद छोड़ दो। मैंने नहीं किया। असफर हम खुद बट मामू से बात करेंगे, वो कुछ भी नहीं कहेंगे, तुम फिकर मत करो। भाभी आपको नहीं पता ना, जब तक ये इकरार नहीं करेगा बट मामू उसको नहीं छोड़ेंगे, इनफैक्ट थाने में बंद कर देंगे। चाहे मुझे फांसी लगा दे मैं नहीं मारूंगा। वाह भाई वाह भाई, आज भी आपके हाथ में वही जायका है। ज्यादा डींगे ना मार, तुझको बोलूं मैं कि मैं आजकल खाना नहीं बनाती, शगुफ्ता बनाती है। घर में मुलाजमा रखी हुई है और किसी ने मुझे बताया भी नहीं। मुजरमों के साथ रह दे के तेरी ये दाश भी खराब हो गई है, और ये शगुफ्ता है। शगुफ्ता अशरफ की बीवी? वो तो बड़ी दुबली पतली स्मार्ट होती थी, क्या हुआ इसे? मामू आपने अच्छा नहीं किया वैसे। क्यों, मैं सबका खाना खा गया हूँ? अरे हमें आपसे बेहद शिकायत है। कैसी शिकायत? आपने हमारे भाई के साथ ठीक नहीं किया, वो बेचारा बेकसूर है, और हम आपकी शिकायत चीफ साहब तक लेके जाएंगे। बाजी ये असफर की सगी बहन है ना? जी हाँ, हम दोनों बहन भाई सगे माँ बाप की औलाद हैं। बस मैं दोनों बहन भाइयों को शामिल तफ्तीश कर लेता हूँ। मामू हम तो ये पूछने आए थे कि मीठा हम अभी ले आए। मीठा भी आए? जी जी, जरदा, सवैया, हलवा, खीर, फिरनी। बस इसी तरतीब से सारे ले आओ, मैं हमेशा खाना मीठे की गुंजाइश रख के खाता हूँ। शगुफ्ता वैसे तुम असफर के बारे में क्या कह रही थी, वो क्या है? हम तो ये कह रहे थे मामू कि वो एक नंबर का दो नंबरी है, और हमें पक्का यकीन है कि माँ जी की अंगूठी भी असफर नहीं चुराई है। लो बाजी एक सबूत और आता गया, मुजरम की बहन ने इकबाल ने जुर्म कर लिया है। मीठा लेके आते मामू। चलो मुजरिम को हाजिर करो, मैंने ड्यूटी पर भी जाना है। मामू जी बात पता क्या है, वो अभी सिर्फ मुलजम है, कबूलने के बाद मुजरिम होगा। इतना कानून तो मैं भी जानता हूँ, आखिर बट मामू पुलिस वाले का बन जाऊं। जुर्म तो उसका बाप भी कबूल करेगा। नहीं मामू जी, आपकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि उसके जो वालिद साहब है ना, वो इंतकाल कर गए हुए। चल पुत्र मुजरिम को हाजिर कर। मुजरिम और मुलजिम के दरमियान असफर रहमान हाजिर हो। वेरी गुड, इकरारे जुर्म तो उसको करना ही था। माँ जी मैं तो पहले ही कहता था आदी मुजरम है ये जफर। पुत्र नौशीन अपने शोर से कह के मेरे सामने इकरारे जुर्म करे। जी अच्छा मामू, अच्छा मैं वास देता हूँ, ले आया भाई मामू। असफर रहमान हाजिर हो। यार ये अच्छा किया तूने कि इकरारे जुर्म कर लिया। और यार पहले ही कर लेता तो मेरे हाथों में दर्द तो ना होता। चल शाबाश, मेरे सामने इकरार जुर्म कर। मैंने चोरी नहीं की। क्या? चल फिर ड्राइंग रूम। मैंने की है, मैंने की है चोरी, मैंने की है। वेरी गुड, चल अब ये भी बता दे कि अंगूठी कहाँ रखी है। कौन सी अंगूठी? और वो जो तूने चोरी की है। मामू जी शगुफ्ता ना मुबैना तौर पर गायब हुई हुई है, इसने अंगूठी उसी के पास छुपाई है। मामू प्लीज हम लोगों को एक मौका और दे दे, शायद अंगूठी मिल जाए। चलो असु। प्लीज डार्लिंग मैं बहुत थक गया हूँ, तुम जाके ढूंढ लो। ये तूने कहाँ से लबी है? तकिए के कवर में से मिली है।
ओए होए, और मैंने खुद ही रात को तकिए के कवर में रखी थी कि मैं कहीं भूल ना जाऊं। माँ जी,